apple hagen stamoyen den vene. हाय दिस इज मानव सुपर मानव. तो लोकी सीरीज आधी खत्म हो चुकी है पर अभी पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी लोकी सीरीज आधी बची हुई है. तो अभी उस आधी सीरीज के लिए मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं. तो लेट्स डाइव इनटू इट. तो पहली थ्योरी ये है मेरे पास कि हाउ दे विल एस्केप फ्रॉम लेमीस वन. लोकी और लेडी लोकी या फिर मैं कहूँ सेल्वी अभी भी फंसे हुए हैं मून पे और यही सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर था जब हमें इस सीरीज में देखने को मिला कि वो शिप मीटियर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है. अब सवाल ये पैदा होता है कि लेडी लोकी या सेल्वी और अपना मेन लोकी कैसे इस मून से बाहर निकलेंगे. उससे जुड़ी हुई फर्स्ट थ्योरी ये है कि मॉर्बिस एम मॉर्बिस विल केम ओवर. पर इसके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि जो टीवीए है मॉर्बिस एम मॉर्बिस टीवीए में ही काम करते हैं. जो टीवीए है उसके अंदर एक फॉल्ट है कि वो कोई भी अपोक्लिप्स जगह पे वेरियंट एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर सकता. पर अब ये बात मॉर्बिस एम मॉर्बिस को पता है हमारे टीवीए में एक फॉल्ट है तो सारी उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे अपोक्लिप्स आने वाला है. तो उनमें से एक जगह उन्हें लेमिक्स वन भी मिलेगा 2077 में. तो शायद से वो आ भी सकते हैं और नहीं. तो अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं. लोकी का कोई और वेरिएंट लोकी को ही बचाने आएगा. कैसे? लोकी सीरीज में अब तक हमें लोकी के सिर्फ दो वेरिएंट देखने को मिले हैं. हाँ, लाइव एक्शन में दो वेरिएंट देखने को मिले हैं. उनकी हमें सिर्फ फोटो दिखाई गई है पर उनका एग्जिस्टेंस भी अभी है और वो भी जिंदा है. तो वो आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आएंगे वो. उनको भी अपने लोकी की चिंता होनी चाहिए ना, जैसे अपनी लेडी लोकी को है. और वो कौन सा लोकी होगा तो ये तो हमें एपिसोड 4 में ही जानने को मिलेगा कि वो लोकी है या मॉर्विस है. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड थ्योरी. ये सब कुछ एन्चेंटमेंट्स हैं. एन्चेंटमेंट मतलब कि लोकी का माइंड इस वक्त कंट्रोल है. तो आप बोलेंगे कि क्या ये सब कुछ वेस्ट है जो हमें एपिसोड 3 में देखने के लिए. बिल्कुल सही, ये सब कुछ एक छलावा है. ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं. ये सब कुछ लोकी का दिमाग की फैंटेसीज है. ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो लोकी है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं दिख रहा आपको और आपको नहीं लग रहा कि हमें इतना पावरफुल लोकी कभी नहीं देखने को मिला. और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल उसकी फैंटेसीज में ही है. मेरे भी अब तक 1 मिलियन हो चुके हैं फैंटेसीज में. तो इसी तरह लोकी ने वो टाइम रिवर्स करा. उसके पास कोई टाइम स्टोन वगैरह नहीं है. ये सब कुछ उसके माइंड गेम्स हैं. तो ये जो अपनी सेल्वी है उसको मौका कब मिला होगा कि लोकी को वो ऐसे फिजिकल टच कर सके और उसको. तो आपको ये सीन तो याद ही होगा जब सेल्वी लोकी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसका मैजिक फ्यूज कर जाता है. यही वो टाइम है जब लोकी को कंट्रोल किया गया है और लोकी कंट्रोल हो चुका है पर उसको ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं हुआ. तो यही तो खास बात है अपनी सेल्वी की कि वो लोकी से ज्यादा समझदार है और लोकी से कई गुना ताकतवर है. तो अब तक मैंने जो आपको कहा वो सब कुछ आपको एक बुलशिट लग रहा होगा पर ये ठीक है. मुझे भी ये सोचने पे किसी की सीमा थोड़ी है और थ्योरीज बनाने में मेरे को मजा आता है इसलिए मैं थ्योरीज बना रहा हूँ. तो इफ यू लाइक देम प्लीज हिट द लाइक बटन. तो फोर्थ थ्योरी मेरे पास ये है कि ओल्ड लोकी इज द रियल टाइम कीपर. क्या बोला तूने? अभी मैंने जो आपको बोला वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो समझाता हूँ मैं आपको उसे. अभी पिछले साल जब हमें लोकी सीरीज की कास्ट पता चली थी तब उसमें एक नाम था रिचर्ड ई ग्रांट्स का जो कि प्रोबेबली ओल्ड लोकी को प्ले करेंगे. हाँ, क्योंकि ओल्ड लोकी का भी एक वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा इसमें. तो एक बार थोड़ा फिर टाइम कीपर के बारे में जान लेते हैं. तो जो लोकी सीरीज है उसके पहले जो 80s का एनिमेशन था उसमें पता चला था कि जो टीवी है और जो टीवी में काम करते हैं वो सब टाइम कीपर्स ने बनाया. उनको मॉर्बिस एम मॉर्बिस को भी टाइम कीपर्स ने बनाया. पर अभी हमें एपिसोड 3 में पता चला कि ये जो सारे टीवी एजेंट्स हैं ये बस एक वेरिएंट है जो कि टीवी के लिए काम करते हैं. आपको याद है एपिसोड 1 में वो सब बोल रहे थे कि इन लोकी को हम रीसेट कर देते हैं. आपको पता है वो रीसेट का मतलब क्या हो सकता है? वो रीसेट का मतलब हो सकता है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को मिटा रहे हैं और उसको काम पे लगा रहे हैं अपने ही और टीवी का एक एजेंट बना रहे हैं. जेल वेल नहीं था वो, बस टीवी का नाम. टीवी का फुल फॉर्म क्या है आखिर में बताओ आप मेरे को? द टाइम वेरिएंट अथॉरिटी. दैट मींस द वेरिएंट हैज अथॉरिटी और ये सारे जज वगैरह सब एक वेरिएंट. मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो रिचर्ड है वो ओल्ड लोकी ही प्ले करेंगे, मैं आपको बताऊं क्योंकि जो रिचर्ड है उनका फेस कट देखो एक बार बिल्कुल टॉम हिडलसन से मिलता जुलता है. लाइकली वो ही लोकी को प्ले करेंगे, फिर उसका वेरिएंट प्ले करेंगे. आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो लोकी है वो लोगों के माइंड में एंटर कर सकता है जैसे उसने थॉर रैग्नारोक में किया था वैल्करी के माइंड से. तो जब ये लोकी इतना पावर
पावरफुल है, वैसे ये इतना पावरफुल नहीं है अपने वेरिएंट के सामने। वैसे जब इसका वेरिएंट आएगा तो और भी पावरफुल होगा क्योंकि वो एक हिसाब से एक्सपीरियंस लोकी होगा। तो आपने लोकी को ये बोलते हुए सुना ही होगा ना कि मैं टीवीए को टेक ओवर कर लूंगा, और एक टाइमलाइन में उसने ऐसा कर भी दिया है अपने ओल्ड वर्जन के साथ, मतलब वो लोकी ने किया, उसके ओल्ड वर्जन ने टीवीए को टेक ओवर कर लिया और वही एक टाइम कीपर भी है, और वही लोकी अपने सेक्रेट वर्जन को एक हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर उसका सेक्रेट वर्जन ही नहीं बचेगा तो उसका मल्टीवर्स वर्जन कैसे बचा रहेगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी मुझे ये लगता है, इसलिए वो अपने लोकी को बचा रहा है। और मुझे लगता है कि वो लास्ट के कुछ एपिसोड में आएगा, फिफ्थ या सिक्स्थ एपिसोड में, और काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने में कि ओल्ड लोकी ने एक्चुअली में टीवीए को टेक ओवर कर रखा है और वो एक हिसाब से टाइम कीपर भी है। So I hope you like this video and if you please hit the like button. और अगर आपने मेरी कोई पिछली वीडियो मिस कर दी है तो वो भी आप आउट्रो में देख लेना। तो बाय, टेक केयर एंड वेयर अ मास्क। Om svarte fjell, jeg vandrer alene, over isfrie tar jeg meg frem. I äpplehagen står mojen den vene och singer.